तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80-90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है, मैंने सिर्फ 1 साल मुंह का चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, अब मेरा ऑपरेशन वाला है, शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा है। ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सुनो ना, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज मेरा एरिया भी देख लोगे? थैंक्स यार, देख लूंगा। सर, आपका कोरियर है सर। सर, आप ही से कह रहा हूं सर, कोरियर सर, आइए यहां पे साइन कर दीजिए।
यस कुरियर क्या मम्मी टॉवल दो ना वो टॉवल टॉवल चिल्ला रही है आपको सुनाई नहीं दे रहा है आप ही के कमरे में है जरा दे दीजिए ना प्लीज मम्मी मुझे बहुत ठंड लग रही है टॉवल दो ना हे भगवान अरे नहाने के वक्त टॉवल तो ले जाया कर ठीक मम्मी अरे तेरी टॉवल ही लेने जा रही हूँ चिल्ला मत हे भगवान अरे वो कितनी देर से चिल्ला रही है आपको सुनाई नहीं देता क्या पता नहीं ऐसा क्या काम करते रहते हैं हर वक्त कंप्यूटर 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 मम्मी नहाने के समय टॉवल लेकर नहीं जा सकती इडियट ज्यादा मत चिल्लाओ नहीं तो घर से भाग जाऊंगी हाँ बहुत बड़ा काम नहीं है छोटी सी बात है तूने कभी देश के लिए खून बहाया है क्या या कभी किसी के लिए रक्त दान किया है खून चाहिए मुझे खून खून चाहिए सारी फर्द कंपल्सरी ब्लड डोनेशन तुम्हारा खून बहुत गंदा है इसे कूड़े कूड़ेदान में जाना चाहिए जा का कार्यक्रम समाप्त हुआ गुड बाय बह रहा है ये सोचकर वो टेंशन में आएगा जिससे उसके दिल की धड़कन 120 130 140 बढ़ती ही जाएगी और उसके दिल के वाल्व काम करने में अक्षम हो जाएंगे और उसका दिल ठीक से काम नहीं करेगा बीपी ऊपर से नीचे आ जाएगा और
लो बीपी की वजह से दिल का काम करना बंद कर देगा। मेरे दामाद बहुत अच्छे थे, सब लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, उनका कोई दुश्मन नहीं था। मेरी बेटी, मेरा नाती, उसके साथ सब यही मौजूद थे सर। वो कैसे आया और कैसे मार कर चला गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। कैसे मरा पता नहीं चल रहा है सर। महीने का 1,00,000 रुपए कमाने वाला कंप्यूटर इंजीनियर था, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, वो बहुत शांत स्वभाव का था सर। What else? ना तो चाकू मारा, ना ही गला दबाया, और ना ही मारपीट की, और जान से मार दिया। कौन है खोली? कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। गौरी, इसका क्या मतलब निकाला जाए? सर कुछ लोग तो ऐसे भी लिखते हैं, न्यूमरोलॉजी। मैंने उस महिला से पूछा था सर, उसने ये बताया कि उसकी जान पहचान में गौरी नाम की कोई भी महिला नहीं है सर। फ्रेंड सर्कल, ऑफिस के कलीग्स, सबसे अच्छी तरह पूछताछ कीजिए। यस सर। यस सर, आई डू सर, थैंक यू। बोलो शिवा, एनी प्रोग्रेस? नॉट येट सर, अभी तक दोस्तों से, दूध वाले, सब्जी वाले, सबको मिलाकर 117 लोगों से पूछताछ कर चुके हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक्सपेक्टिंग एनी क्लू सर? सर आपने जैसा कहा था, मैंने उसके फ्रेंड्स, कॉलेग्स, रिश्तेदार सबसे पूछ लिया, लेकिन कोई भी गौरी नाम की महिला नहीं है सर। लेकिन एक खास बात है, अगर ये कवर हमें 2 दिन पहले मिल गया होता तो हम इस मर्डर को रोक सकते थे। क्या कह रहे हो? वो बदमाश क्रिमिनल अपने शिकार का फोटो इसमें भेजा है सर। शिट। पोस्टल स्ट्राइक होने के कारण ये कवर हमें आज ही मिला है सर। मैंने भी इसे आज ही देखा है। जो लोग जीने के योग्य नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? बहुवचन। बहुवचन में लिखा है मतलब अभी उसे और भी खून करने हैं, यही मतलब है ना इसका? एग्जैक्टली सर। मिस्टर विनय। यस सर। ये फोटो वाली बात मीडिया में लीक नहीं होनी चाहिए। ओके सर। उसने हमारे डिपार्टमेंट को हत्या के तरीके के बारे में पहले ही बता दिया। फोटो के पीछे अस्पष्ट सा कुछ लिखा हुआ है जिससे कुछ पता नहीं चल रहा है। इस खून के पीछे मोटिव कुछ नहीं है, नो मोटिव फॉर गेन। उसका एटीट्यूड देखने से लगता है कि वो किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित है। Maybe सर। एंड मिस्टर शिवा। जी सर। हमें मनोचिकित्सक की सलाह लेनी होगी। यस सर। आपकी बातों से मुझे याद आ रहा है कि कुछ दिनों पहले स्कैन डीवी के एक केस में एक्सपेरिमेंट करके एक मुजरिम को मारने के लिए उन लोगों ने इस मेथड के जरिए उसका ब्लड प्रेशर कम करके केस को सॉल्व किया था। आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? यस, ऐसा हुआ है। हो सकता है उसने ये खबर पढ़ी हो या फिर किसी ने उसको इसके बारे में बताया हो, लेकिन बिल्कुल उसी तरीकों को अपनाया है। अगर ये आदमी उसी तरीके से हत्या करता है तो ये एक नॉर्मल आदमी नहीं हो सकता। कंचरे कंचरे प्यार मेरा सांचा। आपका मतलब वो पागल है डॉक्टर? नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं कि वो पागल है। मुझे लगता है हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक चालाक साइको है। ये जो हत्या करता है उसके कारण हो भी सकते हैं या फिर समटाइम्स नहीं भी हो सकते हैं। उसने फैसला किया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जीने के योग्य नहीं है और उसका कत्ल कर दिया। साइको मर्डरस ऐसे लॉजिक नहीं रखते हैं। इसी तरह एक बार स्टेट्स में जेड वर्ड से जितने नाम शुरू होते हैं, साइको ने उन सबको मार डाला। अब आप ही बताइए इसको क्या कहेंगे? यानी वो और भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की हत्या करेगा? एक्सक्यूज मी। नो 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 नो, साइको किलर्स का कोई भी बना बनाया तरीका नहीं होता। यहाँ अनेक किस्म के केसेस हैं। ये किस तरह का केस है डॉक्टर? इसने आपको पहले ही फोटो भेजा है, बहुत ही अकलमंदी से मर्डर किया है। मुझे लगता है यह दिमागी तौर से बहुत तेज है। ये जब दूसरा खून करेगा तभी हम इसके बारे में आपको बता सकते हैं कि ये किस तरह का खूनी है। नो 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 नो, हम दोबारा ऐसा मर्डर नहीं होने दे सकते। वी हैव टू स्टॉप दिस नॉनसेंस। सी गौतम,
इमीडिएट एक स्पेशल टीम तैयार करो और मुझे फौरन रिपोर्ट दो। यस सर। देकर आते हैं। hey, नहीं नहीं, मैं ऊटी जा रहा हूँ। Why? हाँ? यूकलिप्टस का तेल खरीदने? कैसे जाएगा? बस से। क्यों? कार से क्यों नहीं? अगर ऊटी जाना हो, तो बस से जाओ या फिर बाइक से जाओ, तभी ठंड का एहसास होता है। कार्तिक, हर वीकेंड पर तुम ऊटी चले जाते हो, लगता है वहाँ कोई लड़की पटाली है। एक शब्द आगे पीछे करना है। मैंने लड़की को नहीं, लड़की ने मुझे पटाया है। See you guys. Bye.
छह महीने बाद अपने रंग दिखाने लगता है। चलो जल्दी ले चलो इसे। चलो चलो सर, आप बातें करते रहिए, मैं कट कर रहा हूं ना। जाना यहां से। सॉरी सर। हेलो, आप गौतम सर हैं? हाँ बोल रहा हूँ, आप? मैं मुरली हूँ। मैं जिस दिन खोया था उस दिन सफ़ेद कमीज और काली पैंट पहन रखी थी सर। मैंने अपना बायोडेटा बताने के लिए फ़ोन नहीं किया था सर। मैंने आपको अपने अगले शिकार की फ़ोटो है। ए, 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 तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब बात करने की? कौन है तू? तुझे क्या चाहिए? तू कहां से बात कर रहा है? तू पहले ही बहुत बड़ी गलती कर चुका है। कहां है तू? बता। आपने इंजीनियर को तो मरने दिया। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ए, 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 सुन। सर, यही उसके द्वारा भेजी गई दूसरी फोटो है। उसने फोटो का फ्रंट और बैक दोनों डेवलप किए हैं। पहले फोटो की तरह इसमें भी पीछे कुछ लिखा हुआ है, यानी यही इसका अगला टारगेट है। Who is this, sir? No details. ये कोई सेलिब्रिटी भी नहीं है सर। जो लोग दुनिया के लिए बोझ है उन्हें मरना होगा। इसका मतलब क्या है? ये सब क्या हो रहा है? कोई मतलब नहीं, बस बकवास। नो नो, बकवास कह के इसे इग्नोर नहीं कर सकते। इसके पीछे जरूर कोई मतलब है। यहाँ देखिए, सीरिंज, बलून, एल शेप की लाइन, चारों तरफ चार लकीरें। मुझे लगता है कि वो हमसे कुछ कोई खास बात कहना चाहता है। आई हैव एन आइडिया सर, ये चार लकीरें मिलकर एक घड़ी के आकार देती हैं। दैट्स ट्रू सर, ये सही कह रहे हैं। अगर ये 12, 3, 6, 9 है तो ये छोटी सुई है और ये बड़ी सुई है। गुड सर, इसे समझे तो ऊपर से नीचे है, तो हमारे पास चार ऑप्शन है। 3 o'clock, 6:50, 9:30, 12:45। ओके, ये AM है या PM है? सर, अगर इस फोटो को देखा जाए तो इसमें मॉर्निंग, इवनिंग और कुछ लिखा है। राइट सर, इसमें मॉर्निंग और नाइट कटा हुआ है, इसलिए अब बचता है दोपहर और शाम। यानी 6:15 या 9:30 भी नहीं है, अब बचता है 12:45 से 3 बजे। अभी 1 बजा है तो
तीन बजे वो मर्डर करने वाला है। ओह गॉड सर, सिर्फ दो ही घंटे हैं। ये आदमी कौन है, कहाँ है, अपने मर्डर के बारे में जानता है या नहीं, इस तरह के कितने ही सवाल हैं, इनका जवाब कैसे मिलेगा बोलो। मेरे पास एक सुझाव है सर, इनकी फोटोज के जेरोक्स निकालकर शहर के सभी पुलिस थानों में भेजकर इनके बारे में अगर कोई जानकारी मिल सके तो उसे निकलवाते हैं सर। सर एक और बात, यहाँ के सभी टीवी चैनलों पर, मेरा मतलब NDTV, BBC टीवी, तेज टीवी, आज तक टीवी, इन सभी टीवी चैनलों पर इनका फोटो हर 10 मिनट में फ्लैश करके किसी को भी इनके बारे में कोई जानकारी हो तो कमिश्नर ऑफिस में दे सकता है। सर राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी जैसे ऑफिसों में इनके फोटो देखकर ये कौन है पता लगा सकते हैं सर। ओके, किसी भी तरीके से इसे ट्रेस करने की कोशिश करो, एक मिनट भी बेकार नहीं जाना चाहिए, हमें ये ऑपरेशन तुरंत शुरू करना चाहिए। यस सर। एक विशेष सूचना, यहाँ की जिला पुलिस एक आदमी की तलाश कर रही है, उनकी पहचान के लिए उनके फोटो को टीवी चैनल्स पर दिखाया जा रहा है, अगर उसके बारे में किसी को जानकारी हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। इस फोटो में जो आदमी उसे कभी देखा है? नहीं नहीं देखा। ओके मूव। जो अभी अभी टेलीविजन को ऑन किए हैं, अगर आप इस शख्स को पहचानते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। आप चाहे तो मैं आपके लिए वो नंबर दोबारा दोहरा सकती हूँ, 0442445120। ए, ये तो प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर कहाँ रहे, टीवी पर अपने प्रोफेसर दिख रहे हैं यार। हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हैं मैडम। That's good. एक मिनट, लगता है वो किसी कॉलेज के प्रोफेसर हैं। Very good, very good. प्लीज अपना नाम बताइए, रिकॉर्ड कीजिए। क्या हुआ सर, ये कल्याण शर्मा प्रोफेसर हैं। ये तो अच्छी बात है। मैं उनके सेल पर ट्राई करती हूँ सर। हाय बिंदु, हाउ आर यू? लाइन मिली क्या सर? लाइन एंगेज है, घर पे फोन करते हैं सर। कम ऑन ट्राई। By the way, वैसे मैं दो दिन पहले तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। Come on, बताओ, कुछ भी हो मुझे बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? Listen me, you got a very bright future. Come on, pick up, Shelja. Sir. कंट्रोल रूम को फोन करके तुरंत प्रोफेसर के घर जाने के लिए कहो। Okay, sir. देखो मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा, किसी भी फैसले को जल्दबाजी में नहीं लिया जाता, सोच समझ कर लो। नोट द एड्रेस, नंबर 14 विल्स गार्डन लिंक रोड। यस मैडम, आई विल गो मैडम। लगता है मेरे सेल पर दूसरी कॉल आ रही है, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। तुम राजी हो जाओ, वही मेरे लिए जरूरी है। कम ऑन टेल मी। कम ऑन पिक अप द फोन। लैंडलाइन में भी घंटी बज रही है, लेकिन मैं सबको अवॉइड करके तुम्हें महत्व तो दे रहा हूं, मुझे विश्वास है तुम समझ सकती हो। इसके बाद तुम ही फैसला ले सकती हो। ओके Thank you.
तुम्हारे दिल में सिरिंज से हवा भरने से वो हवा तुम्हारे खून को दिमाग तक जाने से रोकेगी। तुम्हारा दिमाग काम करना बंद करेगा, तुम्हारा दिल भी काम करना बंद करेगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। Pick up the phone. Hello, Mr. Kalyan Sharma. Sir, आप ठीक है ना? Hello, हमसे बात कीजिए. आपकी जान खतरे में, जल्दी जवाब दीजिए. यार ले. क्या क्या कह रहे हो? पहले फोन करना था ना, वो 3 बजे मर गए. Shit. सर, क्या हुआ सर? He's dead. Hi, I'm Karthik. मुंबई का हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं अपना वीकेंड ऊटी में बिताता हूँ. इसके पीछे बहुत ही सुंदर वजह है. यस, मेरी गर्लफ्रेंड प्रिया. किसी भी लड़के के लिए सबसे अच्छा तोहफा होता है एक लड़की का दिल, और प्रिया ने मुझे अपना दिल ऐसे ही नहीं दिया. इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है. मुझे आज भी हमारी पहली मुलाकात याद है और वो पल मैं मरते दम तक भूल नहीं पाऊंगा. हाय, कार्तिक ने बताया होगा. हाँ, मैं प्रिया हूँ. जानते हैं मैं इतनी तेज क्यों जा रही हूँ? आधे घंटे में कार्तिक बस स्टैंड पर आ जाएगा. एक्चुअली जैसे ही वो यहाँ पहुँचता है, वो मुझे सबसे पहले देखना चाहता है. मेरा भी यही हाल है. आई रियली मिस हिम. मैं हर दिन उसे अनगिनत बार याद करती हूँ. उसने मुझे इतना बेचैन किया है कि क्या कहूँ. पता है जब मैं पहली बार उससे मिली थी तो इतनी इंप्रेस नहीं हुई थी. ये किसका है? सॉरी. नैना, तुम थोड़ी लेट आ सकती थी या फिर मेरी बाइक थोड़ी पीछे होती तो अच्छा होता. क्यों? मिस हो गया ना? क्या मिस हो गया? एनीवे सॉरी. इट्स ओके, फाइन. मैंने सॉरी कहा ना? सिर्फ सॉरी कहा तो और क्या कहूं? ये क्या कर रहे हो? See you. Looking very pretty. अपनी नजर उतर वाले ना. उस पहली मुलाकात के बाद मैं उससे कहीं नहीं मिला. प्रोजेक्ट खत्म करके मैं मुंबई जाने से पहले उसे एक बार मिलना चाहता था. सबने कहा कार्तिक ऑल द बेस्ट, कार्तिक अच्छे से काम करना, लेकिन मैं उसे एक बार मिलना चाहता था. लेकिन मुझे उस दिन एक बात समझ में आ गई थी कि जिंदगी में जो कुछ भी अचानक होता है उसका कुछ अलग ही मजा है. हेलो हेलो. हेलो. जी हाँ, मेरी उससे मुलाकात हुई. हेलो हेलो. स्वीट सेकंड चैप्टर, प्यारी सी दूसरी मुलाकात. एक्सक्यूज मी. यस, जस्ट वेट, आई एम कमिंग. इंतजार खत्म हुआ.
मैंने ड्रेस सिलेक्ट कर ली है, नीचे आकर बिल बना दीजिए। हेलो, क्या कर रहे हैं आप? जी मैं आपको ही देख रहा हूँ। व्हाट? कमिंग, वन मिनट, बस अभी आया। कुछ याद आया? हाँ, नहीं। ए, मैं याद नहीं आया। याद नहीं हो ना? नहीं। वेल, ट्रैफिक सिग्नल, दुपट्टा, अब कुछ याद आया? या। अच्छा, देखा? आप मुझे भूल गई थी, लेकिन मैं आपको भूल नहीं पाया था। बहुत बड़ी गलती कर दी। उस दिन आपका नंबर लेना चाहिए था। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऊटी में आपको ढूंढ पाऊंगा। थैंक गॉड, मुलाकात हो ही गई। एनीवेज, आई एम कार्तिक, आईटी गाय, 5-digit सैलरी, माँ हार्ट पेशेंट नहीं है और ना ही मेरी बहन की शादी होनी है। मुंबई में काम करता हूँ, ऊटी में एक प्रोजेक्ट पे रिसर्च कर रहा हूँ। एक महीना यहीं रहूंगा और वक्त का सही इस्तेमाल करूंगा। आपके पास कागज है? हाँ? या फिर हाथ पर लिख देता हूँ? नहीं, मिट जाएगा ना। पेन? पेन। वो किस लिए? मेरा मोबाइल नंबर, घर का नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ लिखने के लिए। लेकिन क्यों? बात करने के लिए, दोस्ती करने के लिए। बात और दोस्ती करने की क्या जरूरत? नहीं, मैं जानता हूँ तुम नाटक कर रही हो। मुझे एक बात बताओ, पिछले हफ्ते मुझे याद नहीं किया था? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें क्यों याद करने लगी? मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? याद करोगी, मुझे जरूर याद करोगी। यही है अगला स्टेज। अगर कल आप मुझसे बात करना चाहो, मुझसे मिलना चाहो, तो अफसोस नहीं होना चाहिए ना। मुझे फोन कर लेना। हेलो। ओके, चिल। नहीं चाहती तो जाने दो। अगर मुझे पता होता ये आपकी दुकान है तो मैं कभी अंदर नहीं आती। आपकी दुकान में नहीं है यही कहेंगे ना। ये लीजिए, आपने जो मांगा था ले आया, इसमें से पसंद कर लीजिए। आपको और वैरायटी चाहिए तो दिखा दूंगा। मैडम, आपको क्या चाहिए? मैडम, इसके लिए ट्राउजर चाहिए। आपके हाथ में ट्राउजर ही तो है मैडम। सॉरी, टॉप। हाँ ठीक है। क्या साइज मैडम? साइज क्या है? 36। लगता है इसने मुझे देख लिया। एक्सक्यूज मी। कुछ नहीं तो मोबाइल नंबर तो लिख लीजिए, आसानी से याद रह जाएगा। नाइन एट फोर वन जीरो। अगले 5 नंबर के लिए उल्टी गिनती करो। 0 1 4 8 9। तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। वेस्ट ऑफ टाइम। मुझे पता है तुम फोन करोगी, मैं इंतजार करूंगा। बाय। जानता हूं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। बाय। देखा, अब बस प्रिया के ही फोन आते हैं, सुबह शाम दिन रात। मेरे इनबॉक्स में सिर्फ प्रिया के ही मैसेज हैं, प्रिया 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 प्रिया। लेकिन पहले तो उसने मुझे एक कॉल के लिए भी तरसा दिया था। जिस दिन मैंने उसे नंबर दिया, उसके बाद मुझे हर दिन हर पल उम्मीद रहती थी कि वो आज कॉल करेगी, अभी कॉल करेगी। जब भी फोन की घंटी बजती थी तो मुझे लगता था कि उसी ने फोन किया होगा, लेकिन वो किसी और का फोन होता था। मुझे इंतजार था कि मुंबई जाने से पहले उसका फोन एक बार जरूर आएगा
और इसी तरह मैं दिन रात उसके फोन का इंतजार करता रहा। दिन बीतते जा रहे थे, कम से कम एक मिस्ड कॉल या एक मैसेज, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं आया। जब कभी भी उसकी याद आती थी तो मैसेज टाइप करती थी लेकिन भेजती नहीं थी। उसका नंबर डायल करती थी लेकिन बात नहीं करती थी। क्यों करूं, किस लिए करूं? वो आखिर कौन है मेरा? उसने मेरे लिए ऐसा क्या किया? मैं इसी उधेड़ बुन में थी। ये मेरा ईगो था या लापरवाही थी पता नहीं, लेकिन उससे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। नेक्स्ट मिस्टर कार्तिक फ्रॉम मुंबई। और अचानक एक दिन वो मेरे घर आ गया। कार्तिक, कम ऑन स्टेज। मम्मी। हाँ? बिजली चली गई। अरे बाप रे, बिजली चली गई? मुझे मिक्सी चलानी है। ए प्रिया, कहाँ जा रही है? अभी आ रही मम्मी। आजकल जिन लोगों को प्यार का अनुभव भी नहीं होता, वो प्यार के सक्सेस और फेलियर के बारे में बहुत सारी कविताएं लिखते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में? Yes, I'm in love. कितने दिनों से? बस 14 दिनों से। Just 14 days? Interesting. पहले किसने प्रपोज किया? मैंने किया था। उनका नाम? Sorry. Sorry? Very good name. मेरा मतलब मैं उसका नाम नहीं जानता। Hey कार्तिक, मैं पूछकर बताऊं क्या? I'm just kidding. उसने क्या कहा? अभी जवाब नहीं आया। मैं इंतजार कर रहा हूँ। कार्तिक, मैं हूँ ना। अगर उसने मना कर दिया तो? तो फिर रोहित? उसे भगा दूंगी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। आपका प्यार जरूर सफल होगा, होगा ना? दो में से एक उंगली पकड़िए। क्यों? बस यूं ही, एक में उसकी हाँ है, दूसरी में ना है। कौन सी उंगली पकड़नी है बता दो, मैं पकड़ लूंगी। नो बाबा, गलत से गलत उंगली पकड़ ली तो? कोई बात नहीं, ट्राई तो कीजिए। ये वाला। Yes! मतलब वो हाँ कहेगी। हेलो हेलो हेलो, तुम्हारी तरह कितने लोग आए गए? अगर मैं वो वाली उंगली छूती तो भी तुम यही कहते, करेक्ट? ऐसी बात नहीं है, आपने हाँ वाली उंगली पकड़ी थी। मैं जानता हूँ मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। वो कैसे? That's the psychology. Psychology? हाँ, जैसे कि अगर कोई सड़क पे रास्ता पूछता है तो हम उसे रास्ता दिखाते हैं। कैसे? यहाँ से सीधे जाइए, वहाँ से राइट, फिर लेफ्ट, फिर सीधा जाइएगा। yeah. आप इसी उंगली से रास्ता दिखाएंगी ना? इस उंगली से नहीं ना? मतलब आप इस उंगली का दिल से इस्तेमाल करते हैं, फिर ये दूसरी उंगली इस उंगली के सामने टिक नहीं पाएगी। ट्राई करके देख लीजिए। थैंक यू। Yes, madam. इन दो उंगलियों में से एक को पकड़ो। ये क्या नया खेल है मैडम? पकड़ो ना। ये कहा था ना? Oh my God! क्या हुआ मैडम? आप नहीं समझोगे, जाने दो, ये प्यार का मामला है। अरे प्रिया, तू कहाँ गई थी? तेरी जाते ही बिजली आ गई थी। चल तो हाथ पाँव धो ले, मैं खाना बनाती हूँ। मम्मी, एक उंगली पकड़ो। वो क्यों? पकड़ो ना। हे, देखा ना? Oh
हेलो 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 हेलो, कार्तिक बोल रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, कौन है? मैं कार्तिक बोल रहा हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो हेलो, मैं कार्तिक बोल रहा हूँ, मुझसे बात करो। हेलो, बात करनी नहीं है तो फोन क्यों किया? हेलो हेलो, क्या हुआ? अकेले अकेले हंस क्यों रही है? मेरी फ्रेंड ने एक जोक सुनाया। पता नहीं कैसे कैसे जोक बोलते रहते हैं। हेलो हेलो, हु इज दिस? हेलो, मैं प्रिया। हेलो हेलो, She loves me. Yes, yes, yes. Yes. Hello? Hello? Hello, कौन बोल रहा है? Hello? अगर आप बात नहीं करेंगे तो मैं बहुत बड़ी बड़ी गालियां दूंगा। देखने में तो कितना डिसेंट लगता है, लेकिन ये तो गालियां देना भी जानता है। हेलो, हाय प्रिया। उसे पता चल गया। मैं जानता हूं ये तुम ही हो, क्योंकि आज तक मुझे किसी ने मिस्ड कॉल नहीं दिया, क्योंकि जब भी कोई कॉल करता है तो बात करता है, यू खामोश नहीं रहता। प्रिया, कुछ तो बोलो, से समथिंग। चाहे मुझसे बात करो, मुझे डांटो, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो प्रिया। हेलो प्रिया, समझ गया, तुम मुझसे बात करना चाहती हो पर झिझक रही हो, प्यार में ऐसा ही होता है। फाइन, फोन पर बात नहीं करते, कुछ और सोचते। क्यों ना हम दोनों कल मिलें और एक दूसरे से अपने दिल की बात करने की कोशिश करें, वही अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, तुम मुझसे बातें मत करना, चलेगा, पर एक बार मिलने आओ। आओगी ना प्रिया? हेलो प्रिया, हेलो। तुम आओगी लेकिन बात नहीं करोगी तो भी चलेगा, लेकिन तुम आना जरूर, मैं इंतजार करूंगा। हे कार्तिक, वो आएगी ना? तुमने बुलाया है तो मैं क्यों नहीं आऊंगी? एक लास्ट स्टॉप प्लीज। जैसा कि मैंने सोचा था, वो मुझसे मिलने आई। इत्तेफाक से मैं जिस बस में जा रही थी उसी बस में कार्तिक भी आ गया। अरे तो कार्तिक है, कार्तिक। एक्सक्यूज मी, ये बस बॉटनिकल गार्डन जाएगी। अरे वो इधर ही आ जाएगा, आने देना। हे, वो चढ़ गया क्या? लगता तो है। लगता नहीं, चढ़ गया। अरे तू देख कर बताना वो क्या कर रहा है। वो टिकट कंडक्टर से बकवास टिकट ले रहा है। कोई आइडिया देना। हे, उसने कहा है ना कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आकर खड़ी हो जाना। लेकिन अगर वो तुम्हें किस करने को कहेगा तो तुम किस मत करना। वो किस करने के लिए कहेगा? क्यों रे, जान बूझ कर पूछ रही है या उम्मीद के साथ? चुप कर, पहले देख वो क्या कर रहा है। हे प्रिया, कार्तिक नहीं है वहाँ पर। अच्छी तरह देखना, कार्तिक वहाँ नहीं है। कार्तिक वहाँ नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? बस तो कहीं रुकी भी नहीं। हाय हाय, हेलो हेलो। अरे तू, इनका नाम है क्या? नहीं, मेरा नाम है। इनका नाम क्या है? प्रिया। प्रिया, नाइस नेम। फिर अचानक से कुछ हो गया, बस के कांच टूटने लगे, मुझे पता नहीं क्या हुआ। प्रिया, मेरी आंखों के सामने प्रिया खून से लथपथ हो गई। प्रिया, हॉस्पिटल में जब मेरी आंख खुली तो कार्तिक मेरे सामने ही था। थैंक्स। सिर्फ थैंक्स? तो फिर और क्या चाहिए? तुम जरा बाहर जाओगी? छी, मुझे मालूम था। प्रिया, सावधान रहना। बस के बाहर कोई दंगा हो रहा था, उन्होंने गुस्सा बस पे उतार दिया, एक पत्थर उठाकर फेंक दिया, कांच टूट गया, फिक्र की बात नहीं है। पर डॉक्टर ने कहा कि। डॉक्टर ने क्या कहा? जो डॉक्टर ने कहा वही कह दूं?
कार्तिक बहुत अच्छा लड़का है, उसे मिस मत करना, उससे प्यार करना, उससे शादी कर लेना, बहुत सारे फोन करना और फोन पर खामोश मत रहना, डेली आई लव यू कहना, उसकी बाहों में रहना, उससे प्यार करना जब तक वो ऊटी में है उसे। I say you won't just go out from here. नहीं हम नवा कोई नहीं तेरे से।
खाना खाने के बाद तीन गोली एक हफ्ते तक खानी है, समझ गए? संभाल के रखना। हेलो सर। हेलो, अब ये कैसा है? नाउ ही इज ऑल राइट, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे आज ही डिस्चार्ज कर रहे हैं। ए, जरा वो डिस्चार्ज बुक लेके आओ। ए, यस सर। इसे ले जाके पनिशमेंट सेल में डाल दो। ठीक है सर। चाहे कुछ भी हो जाए इसे बाहर मत छोड़ना, वहीं पड़े सड़ने दो। ठीक है सर, चलता हूं डॉक्टर। ओके सर। ए, चले। हथकड़ी खोल दो। जीटी कोट है सर। खोलो। E3 पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ। क्या केस है? गांजा का केस है। सही सही बताओ, खरीदा या बेचा? खरीद कर बेचा है सर। क्यों, तू अपना मुंह नहीं खोलेगा? ए, तलाशी लो। ए, कुर्ता उतार। बनियान भी उतार। पैजामा क्या तेरी बीवी उतारेगी? चल उतार। देखो इसके अंगूठे में तिले क्या, माथे पे निशान, और कोई भी निशान है क्या? देखो, माइक फायर रिसीविंग ओवर। कोई नया कैदी आया क्या? यस सर, अभी अभी आया है, 15 दिन की रिमांड पे है, अभी भी एंट्री किया, ओवर। सारी कार्यवाही होने के बाद मेरे कमरे में भेज देना। ठीक है सर, भेज दूंगा सर, ओवर। ए, जिलर साहब इससे मिलना चाहते हैं, लेके जाए इसको। क्यों रे, तुम्हारे देश से आए कितने लोग यहाँ क्या क्या करते हैं? कुछ लोग स्वेटर बेचते हैं, तू गांजा क्यों बेच रहा था? तुझसे पूछ रहा हूं, बेचा या नहीं? मेरे सवालों का जवाब दो, सिर मत हिला। सर, इसको पनिशमेंट सेल में डाल दो, नो विजिटर्स। ये तो रिमांड क्या दिया सर, इसे हम पनिशमेंट सेल में कैसे डालेंगे? जो करने के लिए कहा वो कर। राइट सर।
ए गणेश, हाँ इधर आओ। गौतम सर इधर आओ, इधर आओ। सर, पहले जिस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या हुई और अब जिस प्रोफेसर की हत्या हुई, उन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। वो दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। हमने उन क्लब के, फ्लैट के और उनके जान पहचान वाले लोगों को सबको चेक कर लिया है सर, बट एब्सोल्युटली देयर इज नो रिलेशनशिप इन बिटवीन देम। एक्सक्यूज मी सर, प्रोफेसर ने मरने से पहले आखिरी बार फोन पर अपनी स्टूडेंट बिंदु से बात की थी। उस लड़की से पूछताछ करने के लिए इंट्रोगेशन रूम में उसे बिठा रखा है। ठीक से पूछताछ करना। ओके सर। प्रोफेसर कल्याण शर्मा का मर्डर होने से पहले वो तुमसे फोन पे बात कर रहे थे। 7 मिनट्स 30 सेकंड बात की थी। क्या बात की थी? हमारे कॉलेज में एक कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है, उसके अरेंजमेंट के बारे में और गेस्ट लिस्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। पिछले वीक भी तुमने 4 टाइम्स उनसे बात की थी, क्या तब भी तुम उसी प्रोग्राम के बारे में बात कर रही थी? नहीं मैडम, कभी कभी हम लोग सब्जेक्ट के बारे में भी डिस्कस करते थे। जब भी तुम उनसे बात किया करती थी तो क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि वो किसी प्रॉब्लम में या मुसीबत में है, या फिर वो किसी वजह से डिस्टर्ब्ड है, ये फीलिंग हुई थी? नहीं मैम, आई एम सॉरी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आर यू श्योर? यस मैम। तुम कुछ टेंशन में दिख रही हो। नहीं मैडम, अचानक मेरे घर में पुलिस आकर इंक्वायरी करने के लिए यहाँ लेकर आती है, इसलिए टेंशन में हूँ। ओके, यू कैन गो। ओके, थैंक यू मैडम। Something is missing. एक लाल रंग की इंक की बोतल लाओ, एक लाश की तरह नीचे लेटकर दीवार पर गौरी लिखने की कोशिश करो। सॉरी सर, इंक ज्यादा होकर बह गई है। गणेश, थोड़ा पास जाकर ट्राई करो। ओके सर। मेरी बात सुनो, गणेश ने जब ओ लिखा तो इंक नीचे बह गई, इसी तरह मरने वाले ने जब ओ लिखा तो खून बहकर इस तरफ आया। हो सकता है उसने सी लिखा हो और खून बहकर जी बन गया हो। यस, ये गौरी नहीं है, क्योंकि अगर गौरी होता तो उसमें जी ओ डब्ल्यू आर आई होता,
यानी वो जी नहीं है, सी है। सर, जैसा आपने कहा, अगर ये जी नहीं सी है तो सी ओ यू आर आई नाम का कोई शब्द नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। इट्स एन इनकम्प्लीट वर्ड। कंप्लीटेड सी ओ यू आर आई सी ओ यू आर आई या सर कुरियर सर कुरियर मर्डर कितने बजे हुआ? सुबह 11:30 बजे। और कुरियर आने का टाइम क्या? पोस्टमैन सुबह 11:30 को आते हैं, कुरियर दिन भर आता है सर। ओके मिस्टर प्रभु सर, आप मोहनलाल के घर फोन कीजिए सर और पता लगाइए उस समय उनके घर कोई कुरियर आया था क्या। यस सर। ए प्रिया, 100 साल जियोगी। कहाँ हो तुम? मैं रास्ते में हूँ, बस पहुँच रहा हूँ। ए मत आओ, मैं ऊटी में नहीं हूँ। ऊटी में नहीं हो तो कहाँ हो? मैं मुंबई में हूँ। वाव सरप्राइज। अच्छा बताओ कहाँ ठहरी हो और कब मिल रही हो? नहीं मिल सकती, मैं अपने पेरेंट्स के साथ एक रिलेटिव की शादी में आई हूँ। बैंड्रा में घर पर ही फंक्शन है और वो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के लिए ही है, इसलिए मिल पाना मुमकिन नहीं होगा। कार्तिक वो दीदी आपको कोई नीचे बुला रहा है। कौन है? आप वहाँ जाकर देख लो। हे कार्तिक, ये यहाँ क्या कर रहा है? कार्तिक प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं क्यों जाऊँ? किसी ने देख लिया तो क्या हुआ? मेरे पापा ने देख लिया, हमारी शादी करा देंगे। कार्तिक अगर कोई पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? इतने बड़े घर में इतने सारे मेहमान हैं, मुझे कोई पूछेगा ही नहीं कि मैं कौन हूँ, समझी? कोई चांस ही नहीं है। एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं? चाचा जी आपने पहचाना नहीं? अरे मामा जी आप भी मुझे भूल गए। क्या कहा मामा? हेलो, ये दोनों भाई हैं, तो ये चाचा जी और ये मामा जी कैसे हो गए? तुम कहना क्या चाहते हो? ओ, दोनों भाई हैं। ओ, सिली मिस्टेक। आप यहीं रुकिए, मैं एक फोन करके अभी आता हूँ। थैंक यू। थैंक्स, मुझे नहीं, उस आंटी को बोलिए अंकल। कैसा था? सुपर डुपर हिट था, और भी मजा आएगा अगर हम छत पे जाएंगे। इन चलो ना, छत पर मिलते हैं। मम्मी आ रही है, मैं रखती हूँ। थैंक यू। ओके अंकल, बाय। बाय अंकल। ए मोटी, कौन है वो? अंकल मतलब? का मतलब है मामा, ये भी पता नहीं। मामा? सुमी का मामा है तो मेरा साला हुआ। कौन साला? तुम्हारा जीजा। कौन जीजा? वो रहा। वो कैसे? सुमी बेटी का मामा हुआ तो मेरा साला हुआ, मेरा साला हुआ तो तेरा जीजा हुआ। किसका जीजा? तेरा साड़ू भाई। कौन? वो रहा। अभी तो तुमने जीजा कहा। वो तो इसका हुआ, आपका नहीं। कैसे? शुरुआत से बताना होगा, मैं तो शुरू में ही आ गया था। अरे इसे समझाने तो दो। मेरा मतलब है सुमी का मामा हुआ तो मेरा साला हुआ, मेरा साला हुआ तुम्हारा जीजा हुआ, तुम्हारा जीजा हुआ तो तुम्हारा साड़ू हुआ ना। कुछ भी हो, बस ये समझ में आ गया। आपस में क्यों बहस कर रहे हैं? चलो उसी से मिल लेते हैं। जीजा जी से मिलना है? बोलो। साडू से मिलते हैं कहो। अरे वो मेरा साला। अरे वो मेरा जीजा है। मेरा साडू है। चल वो अभी फोन पर। हाँ ठीक है ठीक है। चलो। हे प्रिया। साले साहब। साडू साहब अच्छे हो ना? जीजा जी कब आए? बस अभी आया। ऐसे क्या देख रहे हो, आप चिंटू बाबू के बेटे हो ना? मैं कुछ समझा नहीं, वो कैसे? अब तुम फिर से समझाओ। देखो तुम सुमी के मामा हो ना तो मेरे साले हुए तो इनके जीजा हुए, इनके जीजा हुए तो इनके साड़ू हुए ना। अब तो पहचान लिए ना? अब हाँ हाँ बिल्कुल सही पहचाना, मैं अभी आया। एक फोन कर लेता हूँ। आप एक दूसरे को जानते हो? नहीं। हाँ चिंटू बाबू के बेटे हैं। चिंटू अंकल का बेटा? हाँ। यहाँ तुम पहले से बताओ ना। देखो ये सुमी बेटी के मामा हैं तो मेरे साले हुए तो इनके जीजा हुए तो इनके साड़ू हुए, मतलब समझ में आ गया? ओ हाँ। अच्छा ये बात है। ये राजंगल की बेटी है, नाम है प्रिया। हाँ। हाय। नमस्ते। साले साहब जरा एक फोन करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी। समझ गया। मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, वो जाकर मेहंदी लगाने वाली आंटी को दे देना, ठीक है? पिताजी बुला रहे हैं। ए मालिनी तू लगा देना। ठीक है मैं लगा देती हूँ। हाँ ठीक है। दीदी को ना चला। ओ
उसी दीदी को ना? हाँ उन्हें ठीक से दोगी ना? जाओ। हे, तुमने मुझे किस क्यों किया? किस मैंने नहीं, उस अंकल ने दिया है आपको। क्या कहा? अंकल? क्यों रो रही हो? एक लड़की ने मुझे उस छोटी लड़की के हाथ किस भेजा? लड़की के हाथ किस भेजा? क्यों बहन, किस भी कोई हाथ से भेजने वाली चीज है? ठीक है ठीक है, चलो मैं पूछता हूँ। चलो भैया, वो जो फोन पर, अरे वो लड़का, वो तो चिंटू जी का बेटा है, मेरा साला लगता है, उसे तुम्हारे लिए ही देखा है। मेरे लिए देखा? लगता है मेरे साले को मेरी बहन पसंद आ गई है। तुझे भी पसंद है क्या? ए, 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 वो तुझे पसंद है क्या? बहुत पसंद है। तो चल बात पक्की कर देता हूँ, चला। क्या बात कर रहे हो? मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कौन थी वो? कोई चश्मेश लड़की थी। ठीक है, मैं देखती हूँ। ओके बाय। चश्मे वाली? अरे दीदी, क्या हुआ मालिनी, किसे देख रही हो? दीदी, भैया ने पसंद किया है। अच्छा? उस लड़के को मेरे लिए। अच्छा तो वो है, तुझे पसंद है ना? मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन दीदी मुझे शादी से पहले ना तेरा पसंद नहीं है। तो उसे जाकर कह दो ना। कैसे कह दो? इसमें सोचना क्या? दीदी तुम ही कुछ करो ना। ओह भगवान। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, आप ही जाकर पूछिए ना। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज दीदी। ठीक है ठीक है ठीक है, जाओगी ना दीदी? तुम यही रुको। हेलो मिस्टर। यस हाय। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, एक जवान लड़की को किस भिजवाते हो? क्या मतलब, छोटी बच्ची को किस करना गलत है क्या? मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। ये पूछने वाली तुम कौन होती हो? तुम्हें क्या लगता है बस हीरो ही पूछ सकता है? हीरोइन नहीं पूछ सकती क्या? देखो ऐसी बदतमीजी यहाँ नहीं चलने वाली, हम लोग बहुत ही डिसेंट फैमिली से हैं। वो तो देखने से ही पता चलता है, किसी अनजान लोगों से ऐसे बात करते हैं क्या? मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, मैं जाके उनसे ही पूछ लूंगा। पूछ लेना पूछ लेना, लगता है मुंबई के लड़के बहुत एटीट्यूड वाले होते हैं। आप हद से ज्यादा बोल रही है, मैं आगे बर्दाश्त नहीं करूंगा। बकवास मत करो, आप लिमिट से बाहर जा रही हैं। मैं उनसे बात करूंगा, वो बहुत स्वीट है। आपको पता नहीं अच्छे लड़के से बात कैसे करते हैं? आप हद से बाहर जा रही हैं, मैं आपको ऐसे ही ट्रीट करूंगा। तुम बाहर जा रहे हो, चाहे मैंने कहा ना, कुछ भी कर ले। देखिए आप गलत कर रही हैं, ऐसे बात करना अच्छी बात नहीं है। आपको पता नहीं मैं कौन हूँ, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, कैसा लड़का हूँ, कुछ नहीं जानती आप। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम किस तरह के लड़के हो, हम लोग ऐसी वैसी फैमिली से हैं। तुम्हें ऐसा लगा क्या? ऐसा लगा जैसे दावत खाई हो। क्या? कुछ भी नहीं। काम बन गया। तुम बाद में बात करना, बहुत गुस्से में है वो। पांच मिनट के लिए ऊपर छत पे, सिर्फ पांच मिनट। पापा तुम नहीं आओगी? मैं चला जाऊंगा। तू जाओ। इस जेल का वातावरण, पनिशमेंट सेल, पुलिस की मार, ये सब उसके अंदर एक डर पैदा कर देगा। अभी बुलाकर पूछने से अच्छा मैं बाद में बात करता हूं। ये तुम्हारी मार खाने की उम्र है क्या? हाँ? अच्छा चलो बताओ, ये जेल की जिंदगी, पनिशमेंट, टॉर्चर,
इन सबको तेरा बदन सह सकता है क्या? देख, एक ही बार की मार में तेरा बदन टूट गया। अन्ना से बात करेगा? क्यों नहीं दिया? तेरे पास जो भी है सब कुछ दे दे। अपोलो में इलाज, गौतम नगर में बंगला, इन सब का इंतजाम अन्ना से कह के मैं करवा दूंगा। किस लिए दुश्मनी करता है तू? हाँ बोल, आज शाम को ही घर वापस भेज दूंगा। ये मैं क्या तेरे से मजाक कर रहा हूं? अन्ना की पहुंच पूरी दुनिया में है, तेरे पास क्या है बे? मेरी अंतरात्मा है। सुन, तुझे इस जेल में आए 3 दिन हो गए हैं और 12 दिन बाकी हैं। इसके अंदर तू हमारे लाइन पे आ जा, नहीं तो मैं जानवर बन जाऊंगा। सर, सर, उस साइको कैदी ने फिर से आत्महत्या करने की कोशिश की। मर गया या बच गया? बच गया सर। चल जा, बंद करो। नहीं सर, मैंने पता किया था, उस दिन उसके घर में कोई कुरियर डिलीवरी नहीं हुई थी। अब क्या करूं? ओके, एक काम कीजिए, केके नगर के कुरियर ऑफिस में जाइए और पता लगाइए कि उस दिन मोहनलाल के घर में कोई कुरियर आया था कि नहीं। यस सर, जाइए। हमेशा की तरह ये वीकेंड भी प्रिया के साथ ही बिता रहा था। ए, इधर आ। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक साथ नहीं निभाती। तुम चिंटू बाबू के बेटे नहीं हो, फिर कौन हो? दरअसल इन्होंने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सच सच बताओगे किस लिए आए हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? राइट सर, आपका शक सही है। उस दिन कुरियर वाले ने उसके घर में कुरियर की डिलीवरी की थी सर। डिलीवरी करने वाले का नाम राजा राम है सर। वेरी गुड, उससे पूछताछ करो और यहाँ ऑफिस में लेकर आओ। यस सर। अरे ये कौन है, क्या परेशानी है? क्या परेशानी है, इतनी देर से ये हमें बेवकूफ बना रहा था, कह रहा था कि चिंटू बाबू का बेटा है। सुनिए, मैं आप लोगों को परेशान करने नहीं आया हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अरे क्या रे, हमारे ही घर में आकर के लड़कियों को छेड़ेगा? अरे रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। नो नो नहीं पापा। प्रिया अब तो बताओ, मैं सारी सच्चाई बता दूँ, पहले उसे छोड़ दीजिए। कौन है? बता पापा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। ये तू क्या बोल रही है? उसे छोड़ने के लिए कहिए पापा। मैं उसे छोड़ने के लिए बोलूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्रिया तो रो क्यों रही है? परेशान हो रही हो? कहिए ना पापा। प्रिया अब तो बता कौन है वो? पापा प्लीज बताना। प्रिया चुप क्यों है? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं तुझसे पूछ रही हूँ, यहाँ पर क्यों आया है बता। प्रिया
यहाँ क्यों आया था पहले ये बता। तो इसको जाने दो। ये क्यों आया है ये पता लगाए बिना इसे कैसे छोड़ दे? ऊपर से मेरा नाम इस्तेमाल किया, पुलिस के हवाले किए बिना इसको नहीं छोड़ूंगा। लफड़े को बड़ा करेंगे ना तो अपनी बेइज्जती होगी। अपनी बेइज्जती? ए शादी का माहौल है ना। ए चल जा जा, चल जाना, चल जाना, निकल निकल, चल जाना यहाँ से, चल निकल, निकल जा। अगर इस बार आत्महत्या की कोशिश की तो बहुत मारूंगा। जा बेला। मुझे मरने दो, या मुझे मार ही डालो। मैं जीना नहीं चाहता। कदीर के नाम से साइन की है, वो देखने में कैसा दिखता है? ठीक तरह तो याद नहीं है मैडम, लेकिन मैं जल्दबाजी में कुरियर देकर आ गया। याद कर, चेहरा याद है? हल्का फुल्का याद है। देखेगा तो पहचान जाएगा। देखूंगा तो जरूर पहचानूंगा। जिसके नाम का कुरियर था उसे ना देकर दूसरे को क्यों दिया? वो क्या है कि सिक्योरिटी गार्ड के जैसा ड्रेस था, डार्क ब्राउन पैंट, लाइट ब्राउन शर्ट, यूनिफॉर्म में दिख रहा था मैडम। यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म का? ओके, शहर में कहाँ कहाँ यूनिफॉर्म इस्तेमाल की जाती है? सब बहुत जगह पर ब्राउन यूनिफॉर्म यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी टेक पोस्टल डिपार्टमेंट, सिक्योरिटीज, सम कमर्शियल शॉप्स लाइक इन्फिनिटी मॉल, फोर सीजन होटल और ऐसे बहुत सारी जगह। सर हमें खबर मिली है कि उसके घर के सामने एक बहुत देर तक ट्राईसाइकिल खड़ी थी। सर ट्राईसाइकिल? आपने जो लिस्ट बनाई उसमें ट्राईसाइकिल तो है ही नहीं। सर यूनिफॉर्म के साथ डोर डिलीवरी करने वाली एक ही दुकान है, टी नगर का वेलकम स्टोर्स। सर मोहनलाल के घर पर जो पोस्टल डिपार्टमेंट का कवर मिला है उस पर भी टी नगर की स्टैम्प थी। सर अपने कांस्टेबल का सेल फोन भी उसी एरिया में खो गया था। सर सर कहीं उस दुकान में काम करने वाला कोई आदमी ही हो जिसके हम लोगों को तलाश है। हो सकता है। हाय प्रिया, क्या हुआ? ये तुम क्या कह रही हो? पापा को मनाने की मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो लोग और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए और मेरी शादी तय करने के बारे में सोचने लगे। इसीलिए मैं किसी को भी बिना बताए कार्तिक के लिए घर छोड़कर आ गई, क्योंकि कार्तिक पर मुझे पूरा भरोसा था। प्रिया, ये मेरा घर है। अब सॉरी, हमारा घर है। आओ। प्रिया, ये सिटिंग रूम, ये हॉल, राइट में बेडरूम, लेफ्ट में डाइनिंग। और हे प्रिया, वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। ए प्रिया, मेरे नजदीक आओ ना। ए क्या प्रिया, आज हमारी फर्स्ट नाइट है ना।
तुम पागल हो प्रिया, प्लीज यार, सिर्फ एक बार। हे हे हे, जो मुझे कहना चाहिए वो तुम कह रही हो? तुमने नहीं कहा ना इसीलिए। वेट, मैं कहूंगा नहीं, करूंगा। क्या? कार्तिक देखो, दूर रहो तुम। अरे प्रिया, ओ सुनिए मेरी, आई लव यू, ओ हिलिए मेरी, आई लव यू, सांसों में घुल लेते अब ये सांसें, बहकी हम चाहत की अब ये रातें, क्यों जाने होश मुझको कार्तिक, मेरी ड्रेस दो ना। ओह,
तुम्हारी ड्रेस हाँ अभी देता हूँ, यहाँ कर ले लो। मजाक मत करो। क्या कहा, मजाक? अरे मैं चुपचाप लेटा था, आराम कर रहा था, तुमने बाथरूम में ले जाके। प्लीज। शर्मा रही है? जाने मन को शर्मा रही है, आजा। प्लीज दो ना। अब तुम बाहर आती हो या मैं फिर से अंदर आ जाऊं? हाँ तुम भी ना। ठीक है तुम अंदर आ जाओ। रुको 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 रुको, ये लो ड्रेस। आ रहा हूं आ रहा हूं। यस आई एम कमिंग। यस आर यू मिस्टर कार्तिक? जी। वेयर इज प्रिया? बात क्या है सर? वेयर इज प्रिया? बात क्या है बताइए ना सर। प्रिया नीचे आओ। या आई एम कमिंग। कौन आया है? पापा, मम्मी अंदर आइए ना। अंदर आइए सर। अपना मुंह बंद रख रास्कल। आप मुझे क्यों बे, तेरे को पूरी दुनिया में मेरी बेटी मिली थी घर से भगाने के लिए, डर्टी क्रिमिनल। इंस्पेक्टर साहब इसको अरेस्ट करके मेरी बेटी को मेरे साथ भेज दीजिए प्लीज। प्रिया तुमने ये क्या कर दिया, हम लोगों को जिंदा मार दिया तूने। मिस्टर कार्तिक इन्होंने आपके ऊपर कंप्लेन किया है, जो भी कहना हो पुलिस स्टेशन में कहिएगा। लेट्स मूव। सर 4 दिन पहले ही हमारी शादी हुई है, रजिस्टर्ड मैरिज है, मुझे 1 मिनट दीजिए। एजी ये सब क्या है? सर हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं। रियली? सब कुछ नियम के अनुसार है, मैं आपकी कंप्लेंट के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। आई एम हेल्पलेस, सॉरी प्रिया मैंने आपको बहुत डिस्टर्ब किया। सर हम इसके भरोसे अपनी बेटी को यहाँ कैसे छोड़ के जा सकते हैं? प्रिया मेरी बात मान, तू इसके साथ अकेले घर में रहेगी तो ये तुझे मार डालेगा। यहाँ से चल प्रिया, मुझे बहुत डर लग रहा है, तू मेरे साथ चल। मम्मी मेरी बात तो सुन। देखा आपने मेरी बेटी को कैसे बहका के रखा, प्लीज कोई एक्शन लीजिए ना। प्लीज सर कुछ भी करके मेरी बेटी को मेरे साथ। 1 मिनट, दे आर क्लियर। इसके आगे आपने एक शब्द भी कहा तो मुझे आपके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। जस्ट लीव देम। गांव का अपमान क्या कम था जो तूने यहाँ पर भी अपमान करवा दिया। ए, अब इसके लिए बेकार में आंसू मत बहा, ये नहीं आएगी, चल यहाँ से। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तूने हमारा अपमान किया है ना, तो कभी तू कभी भी सुखी नहीं रह पाएगी। मम्मी प्रिया मैं हूँ ना, फिक्र मत करो सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स प्रिया रिलैक्स, डोंट क्राई। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, आज जो तुम्हें श्राप देकर गए हैं कल वही तुम्हें आशीर्वाद देंगे। डोंट वरी, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू सर। प्लीज कम इन। थैंक यू। मिस्टर कार्तिक क्या काम करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर। नाइस हाउस। थैंक यू। आप दोनों अकेले रहते हैं? हाँ हम। सर कॉफी लेंगे? फिल्टर कॉफी? वो तो नहीं, इंस्टेंट कॉफी। एज यू विश। बैठिए सर। कार्तिक आपका वर्किंग शेड्यूल कैसा है, सुबह या रात? हमेशा की तरह बहुत काम है सर। हनीमून के लिए कहाँ गए थे? हनीमून सर अभी तक कुछ तय नहीं किया है, जैसे ही सब कुछ ठीक लगेगा हम लोग जाएंगे। ओके आई एम टेकिंग लीव। थैंक यू। प्रिया मैं एक पुलिस वाले की तरह आया था, एक दोस्त की तरह जा रहा हूं। बाय। बाय प्रिया। बाय।
ये तुम्हारे पैर में चुभ जाता, अपना ख्याल रखा करो, मुझे गलत मत समझना। I'm sorry. चलो 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 अपनी अपनी जगह पर चलो चलो सब लोग चलो 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 जल्दी चलो चलो। अरे सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? चलो आत्महत्या करने की कोशिश करता है, अगर अभी आत्महत्या करने की कोशिश करेगा ना तो हमें बताना। कोई खबर? हाँ सर, एक घंटा बीतने के बाद भी दोनों कैदी एक शब्द नहीं बोले। जब मैं ये जानने के लिए अंदर झांक कर देखा तो दोनों अलग अलग कोने में चुपचाप बैठे थे सर। अन्ना, ये काम नहीं आया, हम दूसरा रास्ता देखते हैं। मैं समझ सकता हूँ अन्ना, आपको कुछ नहीं होगा, इस बात की गारंटी मेरी।
सर, हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो किसी बड़े दुकान में काम करने वाला आदमी नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है। ये क्या बोल रहे हो, ये मेरी दुकान है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर, हम पूछताछ करके चले जाएंगे। सर, इस दुकान में 250 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं, उसमें से 150 मेल स्टाफ और बाकी फीमेल स्टाफ हैं सर। वहाँ जितने भी मेल स्टाफ काम करते हैं उसमें से आधा घर जाते हैं, आधा यहीं रहते हैं सर। टोटल 228, जिसमें 138 परमानेंट, रेस्ट टेम्पररी। सर, 186 लोगों में से 42 लोग यहाँ डिलीवरी करते हैं। देखो साथियों, हम अलग अलग चेक करेंगे तो शायद उसे मिस कर दें, इसलिए सबको साथ में बुलाओ। मैनेजर, सुपरवाइजर, सेल्समैन, प्लम्बर, कैशियर, इलेक्ट्रिशियन, सबको साथ में, मालिक को भी, समझे? यस सर। कोई भी छूटना नहीं चाहिए। यस सर। ये छोटू, इस कस्टमर की तरफ ध्यान दे, इनको जो चाहिए ना इनको दिला दे। टपाला के चाहिए? हमें मिक्सी चाहिए। मिक्सी? इन्हें मिक्सी चाहिए। मिक्सी, मिक्सी सेक्शन में ले। ये अभी आपको ले जाएगा। चलते रहो, भीड़ मत करो। अरे सुनो, हमारे सभी फ्लोरों के इंचार्जों से कहकर सभी को सातवें फ्लोर पर आने के लिए कहो। अबे छोटू, तू इतना स्लो क्यों है? इनको मिक्सी दिखा ना। दिखाओ। ले, मैं दिखाता हूँ। देखिए, लीजिए। अधिक फोन बड़ा जा रहा है इसमें। हाँ, कैन आई हेल्प यू? मुझे प्रोफेशनल कुरियर सर्विस का नंबर चाहिए। जस्ट अ मिनट प्लीज। राजा राव सर, देखो यहाँ पर है क्या। ठीक है सर। 2472-2437। ए, मेरा फोन दे। सर, ये कंपनी देखिए। यस, प्रोफेशनल कुरियर सर्विस। मुझे पूछना था कि आपके कुरियर से एक आदमी की पूछताछ के लिए पुलिस आई थी क्या? इंक्वायरी कर रहे हाँ, थे। सर, बताइए सर। किसकी इंक्वायरी कर रहे थे? राजा राम सर। हाँ, राजा राम का मोबाइल नंबर है क्या? हाँ है ना सर। वन मिनट सर। हाँ, सब लोग ऊपर पहुँच गए क्या? राजा राम का नंबर क्या है? मेरे पास नहीं है उसका नंबर। हाँ, तो क्या तुम्हारे पास राजा राम का नंबर है? राजा राम का नंबर 9840824130। ओके, 9840824130। सब लोग सुनो, सब लोग सातवें फ्लोर पर चले जाओ, सारे मर्द लोग। ए, जल्दी जाओ, चलो जल्दी जाओ। ए, तुझे अलग से बोलना पड़ेगा क्या? ए चपोरी, चल चल, तुझे अलग से कहना पड़ेगा क्या? ए, जल्दी करो, ग्राहकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप राजा राम है ना? हाँ, मैं राजा राम ही बोल रहा हूँ, आप कौन? हम पहले भी एक बार मिल चुके हैं। कहाँ? कमॉन, जल्दी करो, चलो। मैं आपकी ब्रांच में आपसे मिलने आया हूँ, लेकिन आप यहाँ नहीं है, तो मैंने सोचा कि आपसे फोन करके ही बात कर लूँ। सर, पहले आप ये बताइए कि आप कौन हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? पुलिस मुझे ढूंढ रही है, वो चाहते हैं कि आप मुझे पहचान ले। मैं आपकी ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, आपको पैसा चाहिए मुझसे ले लो, पर मेरी पहचान मत बताना। मैं के नगर कुरियर ऑफिस के बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप आइए। एक मिनट सर। सर, ये खूनी का ही फोन है सर, वो हमारे ऑफिस के बाहर खड़ा है, कह रहा है कि जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा। तुम्हारे ऑफिस के? हाँ सर। बाहर? हाँ सर। उसे वहीं रुकने के लिए कहो, ठीक है? ठीक है सर। सर, आप वहीं पे मेरा इंतजार कीजिए, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ओके सर। कम ऑन, जल्दी करो, चलो। सुनो साथियों, सबको अलर्ट कर दो, जल्दी। कम ऑन, फास्ट फास्ट। कौन बात कर रहा है? सर नमस्कार, कुरियर ऑफिस से मैं गणेश बात कर रहा हूँ। बोलिए।
सर, हमारा आदमी राजाराम आपके साथ है ना? हाँ, हमारे साथ है। बोलिए, क्या बात है? सर, बात यह है कि कमिश्नर के ऑफिस से फोन करके राजाराम का सेल नंबर मांग रहे थे, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। राजाराम का नंबर हमारे ऑफिस से मांगा? किस नंबर से फोन आया था? मैं एक पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूँ। आपका फोन किसने यूज किया था? When? आधे घंटे पहले। या, one salesman used my phone. Salesman? Okay, कहाँ है आप? In orbit mall में। क्या कहा? In orbit mall? Okay, listen. प्लीज हमारा सहयोग कीजिए। आप वहाँ से जाइएगा मत। प्लीज वेट कीजिए। Okay. चलो घर घुमा। Yes, sir. आप उसे पहचानते हैं? वो रहा। क्या काम है? ए, तूने फोन किया था? नहीं, मैंने नहीं किया था। आप बताइए वो कहाँ है? कौन? वो अभी यहाँ नहीं है। आप यहाँ कोई नेपाली सेल्समैन नहीं? मेरे यहाँ एक ही नेपाली है। ये उसे जानता है सर? ए, तू जानता है उसे? मैंने उसे अभी जाते हुए देखा, पूछा तो कहने लगा कुछ काम है, इसलिए चला गया। निकल गया, फिर हाथ से निकल गया। स्पेशल कंट्रोल रूम कॉलिंग। मैंने उसे अभी जाते हुए देखा है। वो एक नेपाली है। अलर्ट ऑल पेट्रोल से दिया। ओवर। मनीष शर्मा 28 1979। शिट, उसने तो अपनी डिटेल्स फाड़ दी सर। उसके बारे में हमें जितनी भी जानकारी मिली है सब गलत मिली है। क्या उसकी एक स्टाम्प साइज फोटो भी नहीं मिली किसी को? सॉरी प्रिया, बाइक से गुजर रहा था, अचानक बारिश होने लगी। छुपने के लिए जगह देखा तो तुम्हारा घर दिखा, इसीलिए इफ यू डोंट माइंड कैन आई कम इनसाइड? आइए। थैंक यू। प्रिया, तुम्हारा फेवरेट इंस्टेंट कॉफी। थैंक्स प्रिया। प्रिया, थोड़ा साथ दोगी? मेरा मतलब कॉफी पीने में। आप इसी वक्त यहां से चले जाइए। या, बारिश भी रुक गई। प्रिया, आपके माता पिता ने आपको दोबारा डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं। प्रिया, आपको कुछ भी मदद चाहिए मुझसे कहिएगा, ये पूरा एरिया मेरे अंडर में है, मेरे खिलाफ यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। पावर है, पुलिस की पावर, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। थैंक्स फॉर द कॉफी। कुछ लोगों की कॉफी में अलग ही आनंद है। सेम मिल्क, सेम शुगर, सेम कॉफी। प्रिया, टेक केयर, बाय। प्रिया, चलो जल्दी करो प्रिया, वरना बहुत देर हो जाएगी। बस एक मिनट कार्तिक। 10 मिनट में होटल पहुंचना है प्रिया, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं है प्रिया।
के एमडी घर से निकल चुके हैं। अब तुम लेट कर रहे हो। कार्तिक, वहां पार्टी में सब हमारा इंतजार कर रहे हैं और इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं। कार्तिक, वहां पहुंचने में देर हो जाएगी, बाद में। Excuse me. It's okay. अरे कहाँ है भाई तू? हाँ मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। Hi. Hi buddy. Hi buddy. I'm fine. By the way, she's Priya. Hey, तू इसको कैसे जानता है? Love marriage, parents की problem, मैंने ही solve की थी। एक मिनट। हेलो, हाँ हाँ आ गए, हाँ पास में ही मेरे। कार्तिक डिस्को में है। हाँ कार्तिक, तुम इनको पहले से जानते हो? हेलो कार्तिक। जी जानता हूँ सर। चलो अभी डिनर का ऑर्डर करते हैं। कार्तिक, चलो ना चलते हैं। तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं कुछ नहीं सर। एक्चुअली सर मेरे सिर में दर्द है। आई एम नॉट फीलिंग वेल। क्या हुआ, तुमने ठीक से कुछ खाया भी नहीं? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। इफ यू डोंट माइंड हम जा सकते हैं। ये अचानक क्यों जा रहे हो? नहीं नहीं शादी हुई है इसलिए जल्दी जाना चाहते हैं। चुप करो यार, तुम भी प्लीज जल्दी चलो ना। आई एम नॉट फीलिंग वेल। सॉरी सर, चलता हूँ। कोई बात नहीं, कैरी ऑन। जाओ, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। जब उस इंस्पेक्टर ने दूसरी बार प्रिया के साथ बदतमीजी की तो प्रिया डर गई। कार्तिक मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कार्तिक प्लीज तुम अपनी कंपनी बदल दो। प्रिया चाहती थी कि आगे से ऐसा कभी ना हो। कंपनी बदलने से क्या होगा? अगर एक बार फिर से मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं सच में आत्महत्या कर लूंगी। अगर तभी मैं कुछ कहता तो प्रिया टेंशन में आ जाती, कुछ भी कर सकती थी, इसलिए मैं चुप रहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा। ये लो चाबियां। हाँ सीढ़ी मेरे पास ही है। ओके बाय। तुम वापस कब आओगे? बस 10 मिनट। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। चिलगोज़े, तेरी वजह से मेरी प्रिया हमेशा टेंशन में रहती है। मुझे भी तकलीफ हो रही है। अगली बार तूने ऐसी घिनौनी हरकत की ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, काट के फेंक दूंगा। कार्तिक
तू तो एक बात जानता है, सुपरवाइजर शांताराम, कैशियर मनीराम, वॉचमैन सदाशिव सब हमारी तरफ आ गए हैं। तू बहुत ही बेचारा है, जिसके लिए तूने 6 महीने तक मेहनत की, हमने उसे 6 घंटे में ही खत्म कर दिया। एक बार कहने की जरूरत है, LKG में पढ़ने वाली तेरी बेटी को खत्म कर देंगे। डर के मारे तेरा पजामा गीला हो गया ना कैशियर मनीराम, पैसा देखते ही बदल गया, पूरी तरह से बदल गया। हुंडी में पैसे डालने से भगवान भी वर देते हैं, बस एक तीली से तेरे सारे गवाह जल के राख हो गए। तेरी अंतरात्मा की आवाज कौन सुनने वाला है, हैं? अभी अंतरात्मा की बात सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं। 2 दिन बाद तुम्हारी समझ में आ जाएगा। ये बैंगन का सांभर था, अच्छी तरह खा लिया ना? जब मैं कोई सवाल पूछता हूं तो उसका जवाब दिया करो, पहले भी कहा था मैंने। तुम लोगों को बाहर निकलने के लिए किसने कहा था? एक कैदी ने आत्महत्या की है। नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने खुदकुशी नहीं की। रे, तुझे कैसे पता है? इन्हें जेलर ने मारा है। छोड़ दो मुझे, उन्हें तुम लोगों ने मारा है। मारो इसे, मारो। चल भी आइए, तुझे आवाज उठाता है, तुझे पता है तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। ज्यादा आवाज किया ना तो जुबान काट कर फेंक दूंगा। चुपचाप बैठा रहा, ज्यादा दिमाग चलाया ना तो ऐसी हालत करूंगा कि तड़प तड़प के मरेगा, समझ गया ना? याद रखना, मुंह से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। तुम लोगों ने मारा, मार डाला, उनको मार डाला, उन्होंने खुदकुशी नहीं की, उन्होंने खुदकुशी, उनको मार डाला। अभी आया। हेलो गौतम, बोल रहा हूँ। सर मैं वही बोल रहा हूँ जिसकी आपको तलाश है। सर ये तो वही होटल ओनर है। हाँ सही कहा, ये वही है, फौरन इनसे फोन पे कांटेक्ट करो। जैकी कूल डाउन बेटा, आ रहा हूँ। हाँ, कम, इजी बेटा, आराम से, कम डाउन, आ जाओ यहाँ पे। हाँ, दैट्स गुड,
गुड बॉय। आता हूँ बेटा, अभी वहीं रुको। तुम बेहोश हो गए हो, सांसों के साथ पानी अंदर चला जाएगा और तुम्हारे फेफड़े काम करना बंद कर देंगे और तुम मर जाओगे। कोई बचा ही नहीं, कोई भी बचा नहीं होगा इसमें जितने भी लोग हैं। देखो देखो, हाँ कमान कमान उठा से, और ऊपर उठा जल्दी। अरे इसमें तो एक ही आदमी दिख रहा है। हाँ किधर 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 एम्बुलेंस बुलाकर बॉडी स्ट्रेचर पर ले जाओ। पीछे 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 चलो। अरे भाई बचा की पीछे, प्लीज अभी इंक्वायरी होने दीजिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है, उसे उस तरफ लो, उस तरफ। सर ये हमारी खुशकिस्मती है कि एक बर्ड वाचर ने लेक के दूसरी तरफ चिड़ियों को देखने के लिए कैमरा लगा रखा था। वो कैमरा और टेप इस समय हमारे ऑफिस में ही है। उस टेप को चेक करने से हमें कुछ सुराग मिल सकते हैं सर। एक्सक्यूज मी सर, आई कॉल यू लेटर। पास ले जाओ और थोड़ा। रुको रुको, राइट 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 अप। देखो ये वही आदमी है क्या? जी हाँ सर। हेलो, इट्स मी प्रिया, कार्तिक्स वाइफ। क्या बात है सर? कार्तिक अभी तक घर नहीं आया। तुम दोनों तो एक ही साथ गए थे, क्या हो गया? उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उनके सभी दोस्तों को भी फोन कर लिया लेकिन सब लोग कह रहे हैं उन्हें कुछ नहीं पता। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। प्लीज सर मेरी मदद कीजिए। डरो मत, घबराओ मत, मैं देखता हूँ। क्या कहा उन्होंने? वहाँ भी नहीं आए। एक मिनट, कोई बेल बजा रहा, शायद कार्तिक ही होगा। कार्तिक का कुछ पता चला? नहीं। कार्तिक के एमडी ने मुझे फोन किया था, इसीलिए आया हूं। प्रिया अंदर का ये लॉक खोलो, मुझे अंदर आने दो। Are you sure? तुम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं कितनी बार कहूं कि हम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है।
प्रिया, एक और बात। उस दिन तुम्हारे माता पिता ने कहा था कार्तिक का किसी लड़की के साथ। Stop it! मैं कार्तिक को खुद ही ढूंढ लूंगी। पहले आप यहां से जाइए प्लीज। हेलो, आप इसी वक्त यहां से बाहर जाइए। अगर आप नहीं गए ना। नहीं गया तो पुलिस को बुलाओगी? अगर घर पर कोई मेहमान आए तो पहले कॉफी पिलाते हैं। जाओ, इंस्टेंट कॉफी। नहीं प्रिया, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूं। सर पे चोट, गले पर खरोच, तुम जानना नहीं चाहोगे किसने ऐसा किया? ये तो कार्तिक का मोबाइल है। ये आपके पास कैसे आया? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बताइए कि आपने कार्तिक के साथ क्या किया। यस, इतनी देर से कार्तिक का फोन बंद था ना। प्लीज बताइए कार्तिक कहाँ है। प्रिया, तुम्हारी फर्स्ट नाइट कहाँ हुई थी? कार में? क्योंकि आजकल लड़कियों को कार में सेक्स करना बहुत पसंद है। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था। मुझे जानना है कि कार्तिक कहाँ है। कार्तिक नहीं है तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा, ये बताओ हम सेक्स कहाँ करेंगे? कार में चलेगा? नो, नो। यस, अभी सुबह होने में 3 घंटे हैं। आई वॉन्ट टू स्लीप विथ यू। मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। प्रिया, कार्तिक की लाश भी नहीं देख पाओगी। बहुत देर हो गई, अभी तक हॉल में ही है। चलो ऊपर चलते हैं। कार्तिक चाहिए कि नहीं? बदन में बहुत दर्द हो रहा है, जरा दबा दोगी? कार्तिक चाहिए या नहीं? पति मारता है और पत्नी सहलाती है, ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। Thank you.
बता तूने कार्तिक के साथ क्या किया? प्रिया, ये बचपना छोड़ दो, come on, ये मुझे दे दो। पास पता ना, नहीं तो शूट कर दूंगी। No प्रिया, you can't, ये made in German है, 8mm पिस्टल, तुम शूट नहीं कर सकते। जल्दी बता, तुमने कार्तिक के साथ क्या किया? देख औरत, मैं कह रहा हूँ ना, ये मुझे दे दे, समझती क्या अपने आप को? हाँ, देख मेरे अंदर, तुझे पाने की इच्छा बढ़ती ही जा रही है। I love you, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। I can do anything, can't you understand? I love you, चल ले जा। hey, आंखें बंद करके मुझे ही कार्तिक समझकर मेरे साथ सोने में क्या दिक्कत है तुम्हें? hey, चल मान जा। प्रिया, तुम्हारे पैर पर ये कैसा निशान है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो। हाँ? मुझे बताओगे कार्तिक कहाँ है? ये बताओ, चोट कैसे लगी? बचपन में मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, उसी का निशान है। फोन उठाने में इतनी देरी क्यों? क्यों, नशे में हो? बदन में बहुत दर्द हो रहा है। बाहर कोई है क्या? हाँ ना, पिछले महीने तुझे जो भेजी थी उसकी फिल्म बनाई होती तो सब देख सकते थे। ए, चुप कर। कोई है क्या? हाँ है ना, मेरे पास गोरी चमड़ी है, कल ही अंदर आई है, 2 दिन के लिए रिमांड में आई है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? लेके आ जा। ठीक है ठीक है। ए? ए? चल उठ, उठ कार, उठ, चल, चल। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। एक बात अच्छी तरह सुन लो,
ये कोई साधारण मौत नहीं है, उसकी हत्या की गई है। तुम जो भी जानती हो बिना डरे हमें बताओ। किसने मारा पता नहीं, बताने से डरते हैं। आपकी एक छोटी सी सूचना भी खूनी को पकड़ने में हमारी बहुत मदद कर सकती है। बोलिए क्या बता सकते हैं? मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर, मुझे काम पर आते एक महीना ही हुआ है। सॉरी सर, मैं आपको सब कुछ साफ साफ बता देता हूँ, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं पता चलेगा, जल्दी बताओ। सर वो लेडीज के मामले में बहुत कमजोर थे, यहाँ काम पर जितनी भी औरतें आती थी सबके साथ गलत करते थे। यहाँ छूना वहाँ छूना, ऊपर से डबल मीनिंग में बात करना। कुछ मान जाती थी और कुछ एडजस्ट कर लेती थी, और जिनके साथ जबरदस्ती होती थी वो शर्म के कारण बाहर भी बोल नहीं पाती थी सर। अचानक एक दिन हमारे होटल में एक आदमी आया और उसने सबसे पूछताछ की। हमारे होटल में औरतों के खिलाफ होने वाले बातों के बारे में पूछताछ करके उन्होंने वादा किया कि वो कानूनी तौर पर हमारे मालिक को सजा दिलवाएगा। उसकी बात पर विश्वास करके मैंने उसे सच्चाई बतानी चाहिए, लेकिन मुझे ऊपर से धमकी मिली। जिन्होंने शिकायत की है उन्हें डराया गया है और उनके साथ मारपीट की गई है। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, वो इधर नहीं आया कभी। ओके, वो आदमी कौन है उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? उस आदमी का नाम पता कुछ नहीं पता, लेकिन वो एक नेपाली था मैडम। आप जिसकी बात कर रहे हैं कहीं वो यही तो नहीं? नहीं नहीं सर, मैं जिस नेपाली की बात कर रहा हूँ सर, उसकी उम्र 50-55 की होगी सर। ये क्या सर, एक नया नेपाली कहाँ से पैदा हो गया? सेक्स टॉर्चर इस मर्डर का कारण हो सकता है सर। अगर इस मर्डर का कारण सेक्स है तो इंजीनियर और प्रोफेसर के मर्डर का कारण भी सेक्स ही होना चाहिए, है ना? इंजीनियर के मर्डर में, प्रोफेसर के मर्डर में, इन दोनों केस में कोई संबंध है कि नहीं, ये हमें पता करना होगा सर। वो कैसे? उस दिन तुमने अपने प्रोफेसर से फोन पे बात की थी ना? उस दिन मैंने बताया ना आपको, हम लोग कल्चरल प्रोग्राम। झूठी, मैंने तुम्हारे कॉलेज से पता लगाया, उस वक्त तुम्हारे कॉलेज में कोई कल्चरल प्रोग्राम नहीं था, सच बोलो। वो एक सेक्स टॉर्चर था मैडम, मेरे बाप की उम्र का था, रास्कल, सोने के लिए मुझे, यू नो, अगर मैंने मना किया तो। हेलो। हेलो सर। हाँ बोलो। अभी अभी रिपोर्ट मिली है सर। सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत में एक लड़की का संबंध है, नाम है कस्तूरी। वो जिस कंपनी में टीम लीडर था वो लड़की भी वहीं काम करती थी। सो द सेम सेक्सुअल हैरेसमेंट हैपेंड इन द प्रीवियस केस आल्सो। मेरी इकलौती बेटी थी सर, उसने बहुत पढ़ाई की थी, इसीलिए एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन उस कंपनी के मैनेजर ने मेरी बेटी को बहुत परेशान किया सर। बेचारी मेरी बेटी पता नहीं क्या सोचा उसने, वहीं पर उसने घोंसले डालकर आग लगा दी। हमारे इलाके के गुंडे से हमें धमकी मिली कि अगर कुछ भी बता देंगे तो जान से मार देंगे हमें, इसलिए हमने झूठ बोल दिया सर कि मेरी बेटी ने पेट के दर्द के कारण आत्महत्या कर ली। सर हम गरीब लोग हैं, हम अपना मुंह कैसे खोल सकते हैं सर, हम कुछ भी बोल नहीं पाते सर, हमें बहुत डर लगता है सर। हेलो सर, दिस इज सविता हियर। हाँ बोलो। सर मैंने एक पुराना आर्टिकल देखा सर, उसमें उस नेपाली के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी कि वो कौन है और वो किस लिए जेल गया था। गुड 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 गुड, वेरी गुड, तुम उसे लेकर तुरंत ऑफिस में आ जाओ। ओके सर। हाँ मेरी बेटी को सुखी नहीं रख पाया भगवान, वो इंसान नहीं है, मान है, नहीं नहीं, क्या हो गया मेरी बेटी को? मैं तुझसे पहले ही कहती थी मुझे। ए जरा सुनो सर, मुझे लगता है ये लोग कार्तिक के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं सर। उस दिन प्रिया ने फोन करके कहा था कि कार्तिक का कुछ अता पता नहीं है। मैंने भी अपने दोस्त इंस्पेक्टर को भेजकर पता लगाने के लिए कहा था, उसका तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और वो अस्पताल चला गया। शायद सही समय पर चला गया होता तो ये सब नहीं होता। इनके शक के अनुसार कार्तिक का खुद अता पता नहीं है। हाँ सर, मैंने भी कार्तिक से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इतना कुछ हो गया लेकिन वो कहाँ है, क्या कर रहा है पता नहीं। सिक्योरिटी,
से गाड़ी यही खड़ी है, ये उसी में था। क्या कहा था, तेरी पत्नी मेरी वजह से टेंशन में रहती है, टेंशन में रहती है। यही कहा था ना, वहां जा रहा हूँ, तेरी पत्नी के पास जा रहा हूँ, तू रोक सकता है तो रोक ले। वो मेरा घर है सर। ए, तू ही कार्तिक है ना? सर, पुलिस वाले ने मुझ पे हमला किया था सर, मैं दो दिन के बाद आया हूँ सर, मेरे घर पे ताला लगाया सर, मेरी वाइफ का मुझे पता नहीं सर। ए, ये क्या नई कहानी सुना रहा है? ऊटी से एक मासूम लड़की को लाकर शादी के नाम पर उसके साथ बलात्कार करके जान से मार कर गायब हो गया, और अब आकर कहानी सुना रहा है, है? तेरी तो प्रिया का है सर, मैं उसे मिलना चाहता हूँ सर। अबे क्या नौटंकी कर रहा है, मिलना है मिलना है, जब तक जिंदा थी तब तक उससे मिला नहीं, अब मरने के बाद उससे मिलना चाहता है, हैं? अब तो वो चिता में जलकर राख भी हो गई है। ए कांस्टेबल, ऑर्डर बुलाओ, जल्दी लाओ। प्रिया का है सर, मैं उससे मिलना चाहता हूँ सर। बुलाओ ऑटो, जल्दी करो। ए ऑटो, इधर जल्दी बुलाओ ऑटो को, इसे ले जाने से पहले साहब को खबर दे दो। चल कमीज उतार पे, उतार कमीज, चल जल्दी कर। टूट गया मेरा। मैं तेरी मौत हूँ, तूने मार दिया मेरी प्रिया को, प्रिया को मार डाला। Oh!
जब तूने मेरी प्रिया को मारा होगा वो कितना तड़पी होगी ना हरामजादे। हम दोनों ने तेरा क्या बिगाड़ा था। मेरी प्रिया को जान से मार डाला। मेरी जिंदगी में बहुत चाल आ गया। ये सब मेरे और प्रिया के साथ क्यों हुआ पता नहीं। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी खून करूंगा। मेरी प्रिया के बिना मुझे जीना पसंद नहीं था। मैंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे गए। पुलिस स्टेशन बदलते रहे, कोर्ट बदलते रहे, पर मेरे मन में बस एक ही ख्याल था, मुझे मरना है, अपनी प्रिया के पास जाना है। मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। मुजरिम का नाम है कार्तिक, नंबर 23, छठी एवेन्यू, 23वीं गली, कृष्णा नगर। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मुझे मौत की सजा नहीं मिली, 6 साल की जेल हुई। जेल में भी मैं हमेशा अपनी प्रिया को ही याद करता रहता। अंदर चल। और उन 6 सालों में मैंने कई बार खुदकुशी करने की कोशिश की। सर, ये गोवी मेकाली एक नेपाली है, वो एक समाज सेवी है, फॉर एग्जाम्पल मेघा पाटकर की तरह, जो पर्यावरण के लिए लड़ा करती हैं, राष्ट्र हितों के लिए लड़ने वाले, पूरे देश की भलाई चाहने वाले महान समाज सेवी चिन्ना पिल्ले की तरह, ट्रैफिक में होने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले ट्रैफिक इंस्पेक्टर रामास्वामी की तरह, वैसे ये नेपाली भी महिलाओं के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न के लिए आवाज उठाने वाला एक समाज सेवी है। मेरे ख्याल से ये नेपाली जेल में ही मरा होगा। सर, इस आर्टिकल के हिसाब से तो ये ठीक नहीं है। सर, ये आर्टिकल पहले भी आ चुका है, इसके बारे में बहुत बहस हुई थी, इसलिए हमारे जेलर ने इसके बारे में इंक्वायरी भी कराई थी। बाद में पता चला कि ये हत्या नहीं, आत्महत्या थी। और ये पुराने जेलर अब कहाँ है? Now he's no more. क्या हुआ उन्हें? उस दिन उन्होंने थोड़ी ज्यादा पी रखी थी और इस हालत में राउंड्स में गए थे। उस दिन बरसात भी हो रही थी, पैर फिसल कर गटर में गिर गए और वहीं पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जिस सेल में नेपाली को रखा गया था उसके बगल में एक और कैदी था। दोनों को एक ही सेल में रखकर दोनों पर नजर रखने के लिए जेलर साहब ने कहा था। मैं उस कैदी से मिलना चाहता हूँ। सर, वो रिहा होकर चला गया। सर, पूरी डिटेल कलेक्ट करो। यस सर। आइए मैडम। जेल में हुए एक नेपाली के साथ अन्याय का बाहर दूसरा नेपाली बदला ले रहा है। सर, इनका ये कहना बिल्कुल सही है सर, लेकिन इन दोनों के बीच क्या संबंध है? सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो नेपाली अकेला ही काम कर रहा है? क्योंकि उस दुकान में काम करने वाले नेपाली जो कि आम लोगों को परेशान करता है, उनके बारे में जानकारी हासिल करके जेल में कैद उस नेपाली की काफी हद तक मदद कर रहा है। आप जो भी कह रहे हैं वो एक अनुमान है, लेकिन नेपाली के साथ सेल में कार्तिक था। हो सकता है कि नेपाली ने कार्तिक को हत्यारे के बारे में कुछ बताया हो। कार्तिक से तुरंत पूछताछ करनी होगी। रिंग जा रही है सर। हेलो। हेलो, इज इट मिस्टर कार्तिक? यस। हेलो मिस्टर कार्तिक, वी आर फ्रॉम एसआईटी। आप कमिश्नर ऑफिस तक आ सकते हैं? क्या बात है, बता सकते हैं? एक केस के सिलसिले में एसपी आपसे मिलना चाहते हैं। सॉरी, मैं अभी नहीं आ सकता, मैं पुणे में हूँ।
तो कल सुबह आ सकते हैं। ठीक है। ओके, कल रात 9 बजे मेरे गेस्ट हाउस पर आ जाना। मेरे जन्मदिन पर आई थी ना, वही गेस्ट हाउस। अगर 9:01 पर भी आई तो तुम्हारी फोटो यहां इस वेबसाइट पर अपने आप अपलोड हो जाएंगी, ऐसा प्रोग्राम रखा है। ये क्या कह रहे हो तुम, एक और फोटो? यस सर, इस बार उसने ईमेल से फोटो भेजा है। इस बार फोटो के साथ कुछ क्लोज भी दिए हैं सर। मैथमेटिक्स बिल्डिंग, वंडरफुल टाइम। एक मिनट, RX। ये RX का मतलब क्या होता है? नो आइडिया सर। ये सब डॉक्टरों के प्रेस्क्रिप्शन में होता है। लैटिन में इसका मतलब होता है आई प्रेस्क्राइब। सो ही मे बी अ डॉक्टर। पेशेंट भी तो हो सकता है। नो, पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन को मोड़ कर रखते हैं और यहाँ पर ये एक पैड पर लगा हुआ है। सो आई थिंक ही मस्ट बी अ डॉक्टर। सो मेडिकल काउंसिल्स, डॉक्टर एसोसिएशंस, लीडिंग हॉस्पिटल, यहाँ पर जाकर फोटो देखो किसी से मैच करता है क्या। हाल ही में इनऑर्बिट कॉम्प्लेक्स शुरू हुआ है सर। इस कॉम्प्लेक्स के टेरेस से देखने पर उसका एरियल व्यू प्लस की तरह दिखता है सर। एरिथमेटिक प्लस जैसा। ये मैथमेटिकल साइन है सर। एक्सक्यूज मी सर। Yeah? सर, अगर हम मेंशन करें कि वंडरफुल बिल्डिंग शब्द में पहले शब्द को टाइप के रूप में, तो मर्डर का टाइम 7 बजे का हो सकता है। सर, वो डॉक्टर ही है, डॉक्टर रवि प्रसाद, लीडिंग हार्ट स्पेशलिस्ट, हॉटलाइन हॉस्पिटल का चेयरमैन। डॉक्टर का एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। हेलो डॉक्टर रवि प्रसाद। यस सर, दिस इज गौतम SCP स्पीकिंग। टेल मी सर, कहाँ हैं आप? आई एम इन वेलकम प्लाजा। हाँ, पुलिस ने मुझे तेरे बारे में पहले बता दिया था। मूव, हटे। डॉक्टर रवि प्रसाद। ओह माय गॉड, वो आया था मुझे मारने के लिए। कहाँ है वो? लिफ्ट में। चलो जल्दी जल्दी, क्विक। कम ऑन। ओह शिट, वो यहीं कहीं पर। वो यहीं कहीं होगा। कम ऑन गाइस, वो किसी दुकान में ही होना चाहिए। जाओ जल्दी जाकर ढूंढो उसे, एक भी दुकान छूटनी नहीं चाहिए। कम ऑन स्टार्ट, मूव। सब लोग शांति से नीचे जाइए। कम ऑन, वहां देखो आराम से, क्विक। सब लोग नीचे आइए जल्दी। गो गो गो। अंदर जाइए। कम ऑन गाइस, कम ऑन, चलिए आगे बढ़िए। चलिए 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 आगे। हेलो मैडम, अंदर कौन है? बाहर आने के लिए कहिए। एक मिनट रुकिए मैडम, बोलती हूँ। अरे बाहर आ जाओ। कौन है? रिस्पांस नहीं दे रहा है। हाँ बोलिए सर। जल्दी नीचे आ जाओ, इंक्वायरी होनी है। हेलो, आता हूँ सर। हेलो
प्रभु तुम जाकर अंदर चेक करो और आप सब लोग लाइन में आइए। चलो चलो लाइन में आओ, प्लीज कम ऑन, सब लोग लाइन पे आओ, जल्दी करो। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चलो लाइन, चलो लाइन से आगे बढ़ो, चलो लाइन में आओ, चलिए यस नेक्स्ट दो आगे बढ़ो, चलो ओके नेक्स्ट, चलो चलो तुम आगे आओ। बुलशिट, ये कैसे हो सकता है, दूसरी बार हम लोग चूक गए। सर मुझे जाना है, मुझे बहुत काम है सर। अब आपको जाने नहीं दे सकते डॉक्टर, समझने की कोशिश कीजिए। गो कम ऑन, हटिए हटिए, मूव मूव, ओपन द शटर, चलो 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 हटो। यू आर वेस्टिंग माय टाइम, मेरी मार से वो शहरी छोड़कर भाग गया होगा सर। नो नो नो, यू आर रॉन्ग, वो भागने वालों में से नहीं है, पीछा करने वालों में से, वो आपको ढूंढता हुआ जरूर आएगा। या सर आपने किसी कार्तिक को बुलाया था, वो आए हैं। मैंने ही बुलाया था, उसे बैठने के लिए कहो। यस सर। सर आई एम अ डॉक्टर, आप मुझे ठीक से हैंडल नहीं कर रहे हैं, मुझे अपने लॉयर से बात करनी होगी। दिस इज द लिमिट, वो नेपाली एक सीरियल किलर है, अब तक वो 3 खून कर चुका है, उन तीनों ने लेडीज को सेक्स टॉर्चर किया था, अब उसने आप पर हमला किया है, इसी एक बात के संदेह पर मैं आपको अंदर कर सकता हूं, समझे? बी केयरफुल। ओके, मैं कॉपरेट करता हूं, लेकिन मुझे जल्दी भेज दीजिए। कैन आई स्मोक प्लीज? थैंक यू थैंक यू। देखो स्टेफी, मुझे बस तुमसे प्यार की उम्मीद है, तू चाहे मुझे हंसकर प्यार कर या फिर रो कर प्यार कर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे तू चाहिए। हेलो मिस्टर, आप कार्तिक है ना? जी सर। यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं पानी पीने के लिए। पानी पीने के बाद अंदर आइए, आप तो सुबह आने वाले थे ना? जी सर, मैं पूना से अभी अभी आया। जब आप जेल में थे तब आपके पास एक सेल के एक नेपाली ने आत्महत्या कर ली थी, याद है? वो खुदकुशी थी क्या? उसने आत्महत्या की थी ऐसा ही कहा गया था। आपने उनसे बात की थी क्या? नहीं सर। लेकिन आप दोनों एक ही सेल में थे मैंने सुना है। थोड़ी देर के लिए एक ही सेल में डाला था सर। तब भी बात नहीं की थी? नहीं सर, उनको मेरी भाषा समझ में नहीं आती थी और ना ही मुझे नेपाली आती थी और ना ही हमारे पास बात करने के लिए कुछ था। तो रिवाइंड प्लीज। स्टॉप इट, प्ले। ओह माय गॉड, फोर सिक्स सेवन थ्री आपकी गाड़ी है ना? या आपकी गाड़ी की वजह से पार्किंग में प्रॉब्लम हो गई है। ओह आई एम सॉरी, हटा देता हूं। डेक्कन प्लाजा में लिए गए वीडियो में कार्तिक है सर। कार्तिक है? लेकिन yes, हमारी पूछताछ में तो वो कह रहा था कि पुणे से आया है, फिर वो इन ऑर्बिट में कैसे हो सकता है? यस। एक्सक्यूज मी सर, सर हमने जेल से जो जानकारी प्राप्त की है उसके अनुसार उस नेपाली को हिंदी पढ़नी भी आती थी, लिखनी भी आती थी, लेकिन कार्तिक कह रहे हैं कि उसको हिंदी नहीं आती थी, वो झूठ बोल रहा है, ये जरूर कुछ जानता है। ओह गॉड, जरूर कुछ गड़बड़ है।
शिट! डॉक्टर कहाँ है देखो? सर डॉक्टर यहाँ नहीं है सर, कार्तिक भी नहीं है। Damn it! What the hell is going here? Come on, doctor, pick up the phone. Hello, hello. Doctor, आप ठीक है ना? डॉक्टर के साथ ऑल रॉन्ग होने वाला है, उसे ऑल राइट पूछ के कोई फायदा नहीं होगा। कार्तिक, कार्तिक देखो, फोन मत काटना, हैं? हम तुम्हारे बारे में सब जान गए हैं। सुनो हमारी बात, एक के बाद एक तुम गलतियां करते जा रहे हो, हमारी बात सुनो। देखो कार्तिक, समझने की कोशिश करो। सुनो, ये सब करना बंद करो। डॉक्टर को हमारे हवाले कर दो, उसे हम सजा दिलाएंगे। यकीन करो हमारा। मोबाइल टावर से पता लगाने की कोशिश करो। यस सर, यस सर। मुझे ये बताइए, इसे कब सजा दिलवाएंगे आप? क्या कह रहे हो? इसे कब सजा दिलवाएंगे? कार्तिक, अगर आज रात को इसे सजा देंगे तो ही मैं इसे लाऊंगा। What do you mean? I mean, can you bloody punish him by this night? एक कार्तिक देखो, अगर कल सुबह से पहले इसे सजा नहीं दी तो ये नर्स की जिंदगी बर्बाद करके चला जाएगा। मुझे अच्छी तरह पता है तुम क्या कर सकते हो। तुम्हारी ऑफिस में, तुम्हारी ही कस्टडी में उस नर्स के साथ ये प्रोग्राम फिक्स कर रहा है। मुझे अच्छी तरह पता है तुम क्या कर सकते हो। पहले केस डिटेल्स चाहिए, उसके बाद एफआईआर लिखोगे, रात है बोलोगे, है ना? शनिवार रविवार बोलोगे। जब मंडे को केस की बारी आएगी तब ये नहीं आया है, वो नहीं आया है कह के केस टाल दोगे, है ना? अगर अदालत में केस चला भी तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लेकर वो बाहर आकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कितनी ही लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता रहेगा, उन्हें तबाह करेगा। अगर इस सिलसिले को रोकना है तो चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इसे सजा देनी ही होगी। क्या तुम्हारा कानून इसे सजा दे सकता है? नहीं दे सकता। बट आई कैन पनिश हिम राइट नाउ। जल्दी करो, क्या कर रहे हो? अभी तक उसका एरिया पता नहीं चला। सर अभी जीपीएस लिंक में आया है, अभी पता चल जाएगा सर। एक कार्तिक, गिव मी वन चांस, हम पूरा ख्याल रखेंगे कि आज के बाद कोई गलती ना। अब क्या, पहले जो गलती हो गई उसका क्या? मेरी प्रिया, ऑफिसर तुमने प्यार किया है? मेरी प्रिया, उसके साथ बिताया एक एक पल आज भी मेरी आंखों में बसा है। मेरी प्रिया को हवस का शिकार बनाकर जान से मार दिया, खत्म कर दिया, वो भी एक पुलिस वाले ने। इसलिए कानून के खिलाफ जाकर हवस के शिकारियों का शिकार करने और उन्हें किए की सजा देने निकला था एक नेपाली, लेकिन जेल में उनकी हत्या करके उसे खुदकुशी करार कर दिया पुलिस वालों ने। उसके साथ तो कोई अन्याय नहीं हुआ था, फिर भी वो सजा दिलाना चाहता था, तो मैं कैसे चुप रहता? प्रिया की मौत के बाद मैं कैसे चुप रहता, बताइए ऑफिसर? इसलिए मुझे भेस बदलना पड़ा, मैंने नेपाली अवतार धारण किया। उस नेपाली ने जिसे जिसे दंड दिलाना चाहा, उन्हें सबको मैंने न्याय के अनुसार, अपने न्याय के अनुसार खून कर रहा हूं और आगे भी खून करता रहूंगा। मेरी मालूमात के हिसाब से जेलर को मिलाकर पूरे 5, उसके बाद डॉक्टर 6, फिर 7, 8, 9, 10 ऐसे ही जाते रहेंगे, नहीं छोड़ूंगा। देखो कार्तिक, मेरी बात सुनो, छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो उसे। अदालत में सालों तक चलने वाले इस केस को मैं चुटकी में खत्म कर दूंगा, ये सोचकर तुम्हें खुशी होनी चाहिए ऑफिसर। Thank you.
यस सर, वो मर गया सर, ही इज डेड। बॉडी को गाड़ी में चढ़ाओ। ओके सर, थैंक यू सर। सर, सो दिस केस इज क्लोज्ड? नहीं, अभी नहीं। लेकिन वो तो मर गया सर। उसकी लिस्ट के बहुत सारे लोग अभी जिंदा हैं। ये क्या कह रहे हैं सर आप? हमें उन सबको सजा दिलानी है, कानूनी तौर पर।